जोगिंद्रनगर राजीव गांधी डिग्री कॉलेज जोगिंद्रनगर में एबीवीपी के टैलेंट हंट प्रोग्राम में माइंड ऑपरेशन अकादमी के निदेशक राम प्रकाश ने बच्चों को किया मोटिवेट। राजीव गांधी डिग्री कॉलेज जोगिंद्रनगर में एबीपी द्वारा आज टैलेंट हंट प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में राम प्रकाश ठाकुर ने शिरकत की। इस अवसर पर राम प्रकाश ने बच्चों को नशे से दूर कैसे रहना है उसके बारे में विस्तार से बताया। उन्होंने कहा, आजकल बच्चे दिन प्रतिदिन गलत आदतों का शिकार हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे समाज दिन प्रतिदिन पिछड़ रहा है, जिससे हमारे प्रदेश और देश का नुकसान हो रहा है। राम प्रकाश ठाकुर ने कहा कि बुरी आदत से बचने के लिए हमें अच्छी आदत, अच्छी संगत और अच्छे गुरुओं का जीवन में अनुसरण करना पड़ेगा। जब कोई बच्चा अच्छी संगत में रहना शुरू करता है और अच्छी आदत के साथ जीना शुरू करता है तथा अच्छे गुरु से शिक्षा लेता है, तो वह अपने जीवन में नकारात्मक दिशा से सकारात्मक दिशा की ओर चलना शुरू करता है, जिससे उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन होना शुरू होता है। ठाकुर ने कहा कि एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए हमें जरूरत है कि हमारे युवा सही दिशा में चलना शुरू करें, क्योंकि युवा हमारे देश के निर्माता है। कार्यक्रम में बहुत बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया, जिसमें प्रथम स्थान एनसीसी की छात्राओं ने पहाड़ी नाटी में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान हासिल किया। दूसरा स्थान अंकिता ने नृत्य में हासिल किया और तीसरा स्थान खूबसूरत गाना गाकर के कोमल ने हासिल किया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में विशाल और विशेष अतिथि के रूप में सचिन मित्तल ने शिरकत की। मुख्य अतिथि राम प्रकाश ठाकुर ने सभी बच्चों को, जिन्होंने प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान हासिल किया, उनको और उनके परिजनों को हार्दिक बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं दी है, और एबीवीपी के सभी कार्यकर्ता जिन्होंने कार्यक्रम का आयोजन किया था उनको भी प्रोत्साहन देते हुए आगे ऐसे अच्छे कार्यक्रम करने के लिए प्रेरित किया और उनके सफल भविष्य की मंगल कामना की। कौन कौन यहाँ पे बैठे? अरे की तरह तो उसे भूल समझ लेना, मेरी भूल को अपनी भूल समझ लेना। देखो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, त्रेता युग में जिसके पास मंत्र की ज्यादा पावर होती थी ना, जो मंत्र सबसे ज्यादा जानता था वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता था त्रेता युग में। फिर उसके बाद सतयुग, सतयुग में सबसे ज्यादा पावरफुल वो होता था जिसके पास ज्ञान की शक्ति होती थी, जिसके पास ज्ञान होता था। जैसे रावण, रावण क्या था? राक्षस का। उसके पास ज्ञान का, फिर उसने पूरी दुनिया को हिला कर दिया। उसके बाद द्वापर युग आया, द्वापर युग में जिसके पास युद्ध शक्ति सबसे ज्यादा होती थी, मतलब युद्ध करने की जो पावर सबसे ज्यादा थी, उस वक्त बहुत बहुत खतरा था। बट आजकल कौन सा युग है? कलयुग। आजकल ये कला का युग है दोस्तों, कला का युग। जिसके पास कला है उसका युग है, जिसके पास कला नहीं है उसका युग नहीं है। जोगिंद्रनगर से आपका फैसला टीवी के लिए संवाददाता कैलाश की रिपोर्ट।